वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स साइंस की बुक का चैप्टर सेवन गेटिंग टू नो प्लांट्स गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स बाहर जाइए और ऑब्जर्व करिए आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं क्या आपने देखे कुछ प्लांट्स जो हैं वो छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं और कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ पैचेज मतलब झाड़ जैसी ही होती है कुछ जो है उनकी ग्रीन लीव्स होती है बाकी कुछ जो प्लांट्स हैं ऐसे भी होते हैं जिनकी लाल रंग की पत्तियाँ होती हैं कुछ के काफ़ी छोटे छोटे से टाइनी ब्लू वंस छोटी ब्लू कलर की भी पत्तियाँ होती हैं किसी में है ना तो काफ़ी सारी वेरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं हमारे घर के आसपास हमारे स्कूल के प्ले में एंड ऑन द वे टू द स्कूल जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तब भी अलग अलग टाइप के जो ट्रीज़ हैं प्लांट्स हैं हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं अब इन प्लांट्स के बारे में जानते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है ठीक है और कौन सी इसकी ब्रांच होती है कौन सी लीफ होती है ना ये सब तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये वाला जो है फ्लार होता है फूल होता है फिर ये होती है लीफ है ना फिर उसके बाद ये जो है ये जो ऐसी टहनियाँ निकल रही होती हैं ये ऐसे ऐसे करके ये ब्रांचेज होती हैं है ना है जो टहनियाँ निकल रही होती हैं फिर उसके बाद ये जो नीचे होती है ये ये रूट होती है ठीक है तो ये सब होते हैं प्लांट के पार्ट्स अब हम देखेंगे कि हर्ब्स शर्ब्स और ट्रीज इन सब में डिफरेंस क्या होता है तो देखिए कॉलम है इसमें हाइट के हिसाब से हम लोग को नापना है तो इसमें हमें क्या पता लगता है टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक स्टेम जो है ना वो ना ब्रेक हो जब हम किसी प्लांट को छूएँ तो ह्यूज टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जो स्टेम होती है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है तो हमसे टूटेगी भी नहीं वो ठीक है तो अब हम लोगों ने प्लांट्स ऑब्जर्व करे थे जैसे कि टोमेटो का प्लांट मैंगो का प्लांट लेमन का प्लांट अलग अलग टाइप के प्लांट्स जब हमने ऑब्जर्व करे तो हमने देखा कि जो टोमेटो का प्लांट है वो बहुत ही छोटा सा होता है मैंगो का काफ़ी टॉल होता है और लेमन जो है वो लगभग बहुत ज़्यादातर ना टॉल होता है ना ज़्यादा शॉर्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है टोमेटो स्टेम जो है टोमेटो की वो ग्रीन होती है काफ़ी हल्की सी होती है थिक होती है येस हार्ड होती है नो काफ़ी बारीक सी होती है मैंगो का ग्रीन होता है ठीक है और टेंडर होता है नहीं काफ़ी हार्ड होता है थिक होता है यस yes, और हार्ड होता है यस yes, तो इस तरीके से हम लोगों ने भरा हुआ है तो अब हम लोगों को ये पता लगता है कि प्लांट्स जो है ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं कुछ हर्ब्स होते हैं कुछ श्रब्स होते हैं और कुछ ट्रीज होते हैं तो ये देखिए सबसे ऊपर है हर्ब जो काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और इनकी जो टहनियाँ हैं इनकी ब्रांचेस भी और इनका जो स्टेम जो बीच वाला पार्ट होता है ना वो स्टेम होता है तो जो हर्ब्स होती है उनकी जो स्टेम होती है ना वो भी काफी पतली होती है और वो काफी छोटे छोटे से होते हैं फिर श्रब श्रब हर्ब से थोड़ी बड़ी होती है और उसकी स्टेम थोड़ी मजबूत होती है और ट्री की स्टेम तो काफी मजबूत होती है और ट्री काफी बड़े होते हैं तो देखिए इससे हम लोग को समझ में आता है प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स तो जिन प्लांट्स की स्टेम जो होती है ना स्टेम किस कलर की होती है ग्रीन कलर की स्टेम होती है और काफ़ी ही मतलब फ्रिजाइल सी होती है काफ़ी वीक सी स्टेम होती है टेंडर स्टेम का मतलब है काफ़ी वीक स्टेम होती है इनको हम हर्ब बोलते हैं तो हर्ब की डेफिनेशन ये हो गई वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स दे आर यूजअली शॉर्ट उनकी हाइट कम होती है एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज और ब्रांचेज भी कम होती है देखिए हाइट कितनी कम है और स्टेम जो है इसकी वो भी ग्रीन कलर की है और ये छोटा सा है ब्रांचेस भी काफी कम होती हैं। अब देखिए सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स तो श्रब्स जो हैं उनकी ब्रांचेस बिल्कुल नीचे नीचे से बिल्कुल नीचे नीचे से निकलने लगती हैं उनकी जो स्टेम है वो हार्ड तो होती है मगर काफ़ी ज़्यादा मोटी नहीं होती है तो देखिए बिल्कुल नीचे से ही ब्रांचेज निकलने लगी है ना और देखिए स्टेम जो है मोटी है बट काफ़ी ज़्यादा रफ नहीं होती है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं प्लांट्स कहते हैं <laughs> तो श्रब्स जो होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं और आ, बिल्कुल सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम स्टेम के बिल्कुल बेस बिल्कुल पास ही जो है उसमें ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं स्टेम इज़ हार्ड स्टेम हार्ड होता है बट काफ़ी मोटा नहीं होता इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम श्रब्स कहते हैं और प्लांट्स जो हो गए वो जो काफ़ी लंबे होते हैं काफ़ी टॉल होते हैं काफ़ी मोटा उनका स्टेम होता है उनकी ब्रांचेस भी काफ़ी ऊपर और काफ़ी बड़ी बड़ी होती है जो पेड़ हम लोग देखते हैं जैसे आम का पेड़ अमरूद का पेड़ वगैरह ना ये सारे के सारे हम इनको ट्रीज़ कहते हैं ठीक है तो जो छोटे छोटे से होते हैं काफ़ी बारीक होते हैं वो हमारे होते हैं हर्ब्स जो थोड़े बड़े होते हैं बट उनके स्टेम के पास से ही उनकी ब्रांचेस निकली होती हैं हाइट थोड़ी कम होती है उनको हम लोग श्रब्स कहते हैं और काफ़ी बड़े बड़े जो होते हैं जिनकी स्टेम काफ़ी स्ट्रांग होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं ट्रीज़ कहते हैं तो बेस्ड रेक्टरिस्टिक्स हम लोग प्लांट्स को लिस्ट कर सकते हैं ऊपर वाला जो टेबल था उसमें अब कुछ आते हैं क्रीपर्स क्रीपर्स जैसे कि ये देखिए टू ट्रीज हॉप शॉप्स और क्रीपर्स ग्रोइंग ऑन योर हाउस ठीक है अब क्रीपर्स के बारे में जानते हैं प्लांट्स विद वीक स्टेम ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत ही ज्यादा वीक होती है दैट कैन नॉट स्टैंड अप राइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स क्रीपर्स क्या होते हैं मतलब उनकी स्टेम इतनी ज्यादा पतली होती है ना कि वो ग्राउंड पर ही पड़े रहते हैं मतलब इतनी पतली स्टेम होती है कि वो उनके फल वगैरह जो है ना वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाते क्योंकि स्टेमिन को झेली नहीं पाती है तो जो क्रीपर्स होते हैं ना वो ग्राउंड पर ही पड़े रहते हैं ठीक है वाइल क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स और ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरी चीज का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं जैसे कि मनी प्लांट हो गया तो इस तरीके के प्लांट्स को हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं ये अलग होते हैं हर्ब शर्ब्स ऑफ ट्रीज से क्रीपर्स होते हैं इनकी स्टेम बहुत वीक होती है तो नीचे पड़े रहते हैं क्लाइंबर्स होते हैं कि ये किसी चीज का सहारा लेके ऊपर चढ़ जाते हैं पर अब आर सम प्लांट्स इन स्कूल होम कि मतलब जिनके बारे में हम लोग देख सकते हैं तो देखिए क्रीपर है क्रीपर जैसे कि तरबूज हो गया खरबूज हो गया तरबूजा खरबूजा और आपका कद्दू ये सारे के सारे क्रीपर्स होते हैं क्ला, क्लाइंबर्स देखिए ये जैसे कि मनी प्लांट होता है अब स्टेम क्या होती है हम लोगों को तो पता ही है कि स्टेम क्या होती है है ना ये देखिए जो तना होता है ना पेड़ का तना जिस पे पूरा का पूरा वो बेस बना हुआ होता है ये देखिए ये होता है ना ये ये हमारा तना होता है पेड़ का स्टेम बोलते हैं हम इसको ठीक है एक्टिविटीज इतनी वो नहीं है आग... जो एक्टिविटी हम लोगों ने करी थी एक्टिविटी में देखिए क्या किया है हम लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पे आ, हम लोगों को एक ग्लास चेक चाहिए पानी चाहिए और हमें थोड़ी सी इंक चाहिए रेड ब्लू इंक रेड कलर की ब्लू कलर की इंक और एक काफ़ी सॉफ्ट सी स्टेम का प्लांट चाहिए हम उसमें पानी भर देंगे और लगभग वन थर्ड इतना पानी भर देंगे एंड एड अ फ्यूड उसमें थोड़ा सा हम कलर डाल देंगे फिर हम क्या करेंगे कट द बेस ऑफ द स्टाम्प स्टेम ली थी उसका बेस हम लोगों ने काट दिया और फिर ऑब्जर्व द सेटअप डज द कलर ऑफ द अपियर जो है वो चेंज हो जाएगा स्टेम का मतलब आपने स्टेम को थोड़ा सा काट दिया और उसको एक कलर्ड पानी में भर दिया तो क्या स्टेम का कलर चेंज हो जाता है तो देखिए येस हो जाता है फ्रॉम द एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर द वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स एंड अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम तो जो स्टेम होता है ना स्टेम का, का काम होता है स्टेम जो है ज़मीन के नीचे भी होती है बहुत सारी स्टेम के नीचे क्या होती है रूट्स होती हैं तो रूट्स क्या करती हैं रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती हैं ज़मीन में से पानी मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करती हैं स्टेम को देती हैं और स्टेम जो है अपने प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में पानी मिनरल्स वगैरह को पहुंचा देता है ठीक है तो ये हमारे स्टेम का काम होता है फिर आती है हमारी लीफ लीफ जो है वो होती है पत्तियाँ ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट्स कुछ प्लांट्स की लीफ्स को आप ऑब्जर्व करिए फिर देखते हैं जब आप लोग द पार्ट ऑफ द लीफ बाई विच इट इज अटैच टू स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल तो ये देखिए पार्ट ये स्टेम होता है फिर स्टेम से अटैच होती है ना लीफ तो स्टेम के जिस पार्ट से स्टेम के जिस पार्ट से लीफ जुड़ी हुई होती है स्टेम के जिस पार्ट से लीफ जुड़ी हुई होती है ना उस वाले पार्ट को हम लोग पेटियोल कहते हैं या आपको याद रखना है स्टेम के जिस पार्ट से लीफ अटैच होती है उस पार्ट को हम लोग पेटियोल बोलते हैं द ब्रॉड ग्रीन लीफ इस द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना ठीक है और ये जो ब्रॉड सा ग्रीन पार्ट होता है जो ब्रॉड सा ग्रीन वाला पार्ट होता है ना पूरा का पूरा ये हमारा लैमिना होता है ठीक हो गया अब देखिए द लाइंस ऑन द लीफ आर वेंस आपने देखा होगा लीफ होती है ऐसे करके उसमें लाइंस लाइंस होती हैं है ना जो लाइंस होती है ना लीव्स पे उसको हम लोग वेंस बोलते हैं और फिर उसके बाद इस तरीके से ये लाइन लाइंस तो लीफ हो गई बट बीच में एक ऐसी लंबी लंबी सी भी तो होती है ये देखिए लीफ होती है ना उसके बीच में क्या होती है मिड रिब होती है और ये जो साइड साइड में ऐसे ऐसे करके बना रही हूँ मैं ये वेन्स होती है ठीक है द डिज़ाइन मेड बाय लीफ वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ विनेशन आपने देखा होगा कि लीफ जो है ना अलग अलग टाइप का डिज़ाइन बनाती है अलग अलग टाइप के पैटर्न बना देती है ठीक है तो उस जो वो पैटर्न्स बनाती है ना जो डिज़ाइन मेड बाय वेन्स वेन्स जो होती हैं किसी पति के ऊपर वो जो डिज़ाइन बनाती हैं उसको हम लोग लीफ विनेशन बोलते हैं इफ़ द डिज़ाइन इज नेट लाइक अगर जो डिज़ाइन है वो नेट जैसा है दोनों साइड में ठीक है तो उसको हम लोग रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं देखिए अगर जो डिजाइन है ना वो नेट जाली जैसा बन रहा है डिज़ाइन ना जालीदार बन रहा है तो जालीदार बन रहा है नेट जैसा बन रहा है तो हम उसको रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं ठीक है द लीव्स ऑफ ग्रास आर माइट द वेन्स आर पेल टू अदर दिस इज कॉल्ड पेल विनेशन और अगर जो विनेशन है इस तरीके से हो ऐसे ऐसे करके ऐसे तो मतलब एक दूसरे के पेल जा रहा है ना तो इस तरीके की अगर वेन्स पैटर्न बना रही है लीफ में तो उसको हम लोग पेलविनेशन कहते हैं ठीक है तो हम लोगों ने अभी इसमें क्या देखा लीफ के बारे में पेटियोल क्या होता है लेमिना क्या होता है तो जिस पार्ट से लीफ अटैच्ड होती है स्टेम से वो पेटियोल होता है बाकी जो पूरा का पूरा ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है इसको हम लोग लेमिना बोलते हैं लीफ पर जो भी डिज़ाइन इस तरीके से बन रहे होते हैं ना ये वाले ये वेन्स होते हैं बीच में से जो बीच का जा रहा होता है इसको मिड मिडरेप बोलते हैं और लीफ पे जो पैटर्न बन रहा होता है अगर वो जालीदार होता है जाली जालीदार होता है तो वो लोग वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है और अगर जो पैटर्न बन रहा है वो पेलर पेलल सा होता है तो उसको हम लोग पेलर वेनेशन बोलते हैं ठीक हो गया मिड मिडरेप ये देखिए बीच वाला मिड मिड्रेप होता है पीपल की पत्ती है ये और बाकी जो ऐसे ऐसे करके ये वेन्स होती हैं तो पहला वाला क्या है हमारा पहला वाला एग्जाम्पल रेटिकुलेट वेनेशन का है देखिए रेटिकुलेट वेनेशन कैसे कैसे देखिए जाली जाली बन रही है कहीं ऐसे कट रहा है कहीं ऐसे कट रहा है कहीं ऐसे कट रहा है कहीं ऐसे, कही ऐसे कट रहा है और पैलल देखिए यहाँ पे ऐसे करके ऐसे 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 करके जा रहा है ना ऐसे करके तो ये पैलल वेनेशन हो गया तो कुछ पैलल वेनेशन की हो होती है और कुछ रेटिकुलेट वेनेशन की होती है तो अब आगे का पार्ट ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू